4-3, 4-3 हुआ। अपना अपना काम करो, सभी का नौकरी ऐसे ही। आज हमारा पूरा देश 20वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। बात हो कारगिल की और शहीद कप्तान सौरभ कालिया का जिक्र ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं। सौरभ कालिया को पाकिस्तानी सैनिकों ने बंदी बना लिया था। उन्हें सिगरेट से जलाया गया, कानों में लोहे की गर्म छड़ियां डाल दी, आंखें निकाल दी गई, यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट्स भी काट दिए गए। जब उन पर बजरंग पोस्ट पर हमला हुआ, उन्होंने अपने साथियों की जान की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह भी न की। पाकिस्तानी ट्रूप्स ने उन पर कई तरीके के फिजिकल और मेंटल टॉर्चर्स किए और फिर उन्हें गोली से मार दिया गया। हमारे देश के वो वीर जवान जिन्होंने अपनी जान इस देश पर निछावर कर दी, उनकी शहादत का सम्मान करने आज हम आए हैं पालमपुर, उनके घर। नमस्ते सर। आप सभी का हमारे घर में, हमारे इस छोटे से स्थान में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है कि आप इतनी दूर से हमें मिलने के लिए आए। ये हमारे लिए तो बहुत ही एक अद्भुत बतियाना निशान है कि आप इतनी दूर से इतना प्रेम से इतना आदर लेके हमारे पास आए। आप सबका इस घर में स्वागत है। थैंक यू सर, आपने हमें इतना टाइम दिया आपका। तो आप हमें बताइए कि जो कैप्टन सौरभ थे, उनका बचपन से क्या सपना था कि वो आर्मी में जाए, और उनका चाइल्डहुड कैसा था? उनका ऐसे मैं कहूँगा कि उनका ऐसा कोई सपना नहीं था कि मैंने आर्मी में ज्वाइन करना है, पर एक जब उनका उनका स्वभाव था तो बहुत कम बोलते थे। जैसे हम लोग तो काफ़ी कुछ बोलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, वो एक सीरियस नेचर के स्टूडेंट भी थे। बचपन में उनको कभी बच्चा इतना हंसते खेलते या बोलते नहीं मतलब देखा। अगर आप उनसे 10 सवाल करोगे तो वे आधे आधे सेंटेंस में उसका उत्तर देते थे, तो बहुत ही कम मतलब बोलते थे। उनके मन के अंदर क्या सपने थे तो ये मतलब इतना आसान नहीं था मतलब कि आर्मी में उनका जाने का सपना था कि नहीं था, हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ऐसे था कि जो 10वीं कक्षा तक वो डीएवी स्कूल में थे, तो उसके बाद जब क्लास 1 में एंट्री हुई तो होल्टा में एक आर्मी के क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल था, उधर से उन्होंने क्लास 1 और क्लास 2 किया था। हो सकता है उधर आर्मी के लोगों को देख के, आर्मी का अनुशासन देख के उनके मन में इच्छा मतलब हुई होगी। दूसरा भी काफ़ी मतलब ऑनेस्ट थे, एक हार्ड वर्किंग भी थे, वे ऑनेस्ट भी थे, तो उनको जो हमारे सिविल में इतना इस तरह का कल्चर नहीं है, ईमानदारी का कल्चर और इतना जो डिसिप्लिन का कल्चर है वो मतलब नहीं है। तो उनके मन में था कई बार बच्चा ना जब कोई इंसिडेंट रिलेट करते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि बच्चे हमारे समाज में हमारे जो इतना कुछ जो है, तो एक तो उनको आर्मी की तरफ से हो सकता है उनके हार्ट ऑफ हार्ट में ऐसी कोई फीलिंग हो कि अगर मैं आर्मी में जाऊंगा तो एक तो मेरी इच्छा के अनुसार मुझे काम मतलब मिलेगा। सिविल में हो सकता फिट मतलब हाँ होते जैसे उनका नेचर था। अच्छा, एक बच्चों में और एक खास बतिया उनकी एक आदत थी कि हार्ड वर्किंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा डिवोशन था उनका, मतलब जिस काम को वे पकड़ लेते थे उनको करके में छोड़ते थे, मतलब ये उन्हें। आपके साथ में एक और इंसिडेंट रिलेट करूँगा, जब उनका आर्मी में इंटेक हुआ तो उसके बाद उनका मेडिकल होता है, तो वे उनको कुछ ना कुछ हार्ट का प्रॉब्लम मतलब इंडिकेट उन्होंने किया और कुछ काउंसिल का किया, तो ये सारे को मतलब कथित कराते उनको कोई एक महीना कोई
18-19 से उनको लेट हो गया, तो सब ने का ऐसी सोच थी कि वे अपना कोर्स बचाना इन टाइम बचा नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। हफ्ता दो हफ्ते तो आदमी कॉम्पनसेट कर लेता है, डेढ़ महीने से ऊपर का जो था, मगर उन्होंने उधर इतनी हिम्मत दिखाई जो एक्स्ट्रा उनके जो कोर्सेज थे लेट आवर्स में या सुबह उठ के उन्होंने कंप्लीट कर लिया। वो जो इन टाइम में अपना जो 18 मंथ का उनका जो ट्रेनिंग पीरियड था उन्होंने किया, हिम्मत ही उन्होंने हारी, मतलब ऐसा उनके अंदर था। अच्छा एक बच्चा जो जैसा अभी आपसे मैंने जिक्र किया कि बहुत कम बोलते थे, तो जब भी कभी बोलते थे तो कुछ ना कोई ऐसी बच्चा ना ऐसे अपना शब्द निकालते थे, तो उस समय तो हमें हम लोगों ने इतना 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 सीरियस नहीं लेते थे, पर अब जब कभी कभार उनकी इतना याद आती तो हमें लगता भी उस समय उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही थी। हम ना इस घर में नहीं, हमारा सामने वाला घर है उसमें थे, तो जब 1988 में हम उधर शिफ्ट हुए, तो जब उधर शिफ्टिंग की तो उसकी मतलब बाउंड्री नहीं थी, भी ओपन ही था। इधर एक काफ़ी बहुत बड़ा एक थिएटर था इस ज़मीन में, तो एक दिन बताया ना तो मिसेस कालिया ने कहा भी आप इनको धूप में लेके इनको आंगन में बैठो, तो मैं अभी नाश्ता आपको देती, तो वे मतलब बैठे बैठे कहीं खो गए। तो एक बार उनको मैंने थोड़ा सा झंझोड़ा भी, क्या बात आओ इतना 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 सीरियस क्यों हो गए। अच्छा उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसके बाद फिर मैंने उनको थोड़ा ट्रिक किया भी, मुझे अभी क्या बात है। अच्छा कोई एक दो मिनट के तो बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे कहने लगे कि ये देखो ये इतना बड़ा पेड़ है और इसके नीचे जो और पौधे हैं जो झाड़ हैं जो हैं, तो इनको ईश्वर ने बराबर का धूप पानी खुराक हवा सब कुछ दिया, मतलब मगर इन सब का एम अलग अलग है। अब देखो ना कहते हैं जो है वो जो पेड़ है इसका एम है कि मैंने आसमान छूना है, तो ये मतलब ऊपर जा रहा है, तो ये जो आसपास इसके जो घास फूस है जो और पौधे इनका कोई एम नहीं, कोई उधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। अच्छा उसके बाद I simply smiled, कुछ नहीं। अच्छा देन ही अगेन लुक्ड एट मी, बोलते ऐसे ईश्वर ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, हर एक को 24 आवर्स दिए, ना एक सेकंड कम ना एक सेकंड में ज़्यादा। तो और 24 आवर्स आदमी कैसे मतिया उसको इस्तेमाल करता वो हर एक आदमी के ऊपर है। कई आदमी जो है ना इस 24 घंटे में ऐसा काम करते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, और कई जो है वो एनिमल लाइफ या कहते बायोलॉजिकल लाइफ मतलब जीते हैं, मतलब उनका कोई ये नहीं है, मतलब उसकी एज देखो, ये उन्होंने ऐसी समझदार की बात है, नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट। हम लोग भी क्या ना ऐसी इस उम्र में ऐसी बातें को सोच भी नहीं सकते भी एक, मतलब ये है ना आप लोगों के साथ क्योंकि आप सभी स्टूडेंट हो, तो समय का जो है ना जो उन्होंने उस समय जो बात कही थी, मैं तो कई स्कूल कॉलेजों में मुझे क्या ना आने जाने का मुझे अवसर मिलता है, उधर मैं बच्चों को यही बात समझाता हूँ कि ये आपको जो समय है जो इसकी आप कदर करो। बिल्कुल, तो
सर, जैसा आपने बताया कि वो बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड थे, पर एक पेरेंट के लिए जो एक बच्चा होता है वो हमेशा बच्चा ही रहता है, भले वो कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी मैच्योर हो जाए. तो एज अ पेरेंट ऑफ अ आर्मी ऑफिसर जो इतने वॉर पे जाया करते थे, इतने इतने टाइम घर से दूर रहा करते थे, तो आपके मन में क्या चलता था और जो बाकी आर्मी ऑफिसर्स के पेरेंट्स हैं उनके मन में क्या विचार होते हैं, आप कैसे कोप अप करते पूरे सिनेरियो के साथ? तो सर, आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो, वे जब IMA से आए, जब हाउस आउट हो गया है, तो सिर्फ हमारे पास 15 दिन के लिए थे हमारे पास. उसके बाद उनकी पोस्टिंग की थी कारगिल में थी, तो उधर क्या ना जो है भी इधर से गए से बरेली, यहाँ पर जो है हार्ट का सेंटर है, तो उधर हर एक ऑफिसर को ओरिएंटेशन के लिए रखते एक हफ्ता या दस से. उसके बाद उनकी पोस्टिंग थी कारगिल में, तो कारगिल में रहे कोई हार्डली 4.5 मंथ. तो उसके बाद फिर जो कुछ हुआ तो उसका सब कुछ मालूम. तो हमें बताया ना उनसे मतलब मिलने का इतना ज़्यादा समय भी नहीं मिला, जो भी कुछ हुआ इतना जल्दी जल्दी में हो गया. एक बात जो और मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, ये हम सिविल में जब कोई किसी सर्विस को हम ज्वाइन करते हैं तो उधर सिंपली हमें बोलते कि आप आपका ये टेबल है, ये आपकी कुर्सी है, ये ऐसे ऐसे ये आपका काम है. आर्मी में जब कोई ऑफिसर ज्वाइन करता है तो उनका कल्चर थोड़ा सा अलग होता है. हाँ, तो जब भी कोई ऑफिसर उस हजिमनर में आते हैं तो उनकी एक वेलकम उनकी पार्टी होती है. तो जैसी फैमिलीज होती हैं, जितने ऑफिसर होते हैं उनको अटेंड कर, तो उनके ऊपर क्या ना जो पार्टी में मतलब जो भी ऑफिसर नए ज्वाइन करते हैं उनको थैंक्स के लिए कुछ मतलब ना उनको कुछ स्पीच देना होता है. तो इनके साथ और भी ऑफिसर होते हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ कहा, अभी ऐसे होगा वैसे हम ये करेंगे वो करेंगे. तो जब सौरभ बारी है तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला, वो दैट टुडे आई एम प्राउड आई एम इन हार्ट पटियाल रेजिमेंट एंड हे विल कम दिस रेजिमेंट विल रिमेम्बर सम सौरभ ने जॉइंट. एंड उसके बाद उठ के मतलब आ गए, कोई इतना लंबा चौड़ा उन्होंने भाषण नहीं दिया, एक सेंटेंस में बताया उन्होंने कहा तो आ गए. तो मतलब ही प्रूव्ड, मतलब एक सेंटेंस में उन्होंने सब कुछ मतलब ना सम अप कर दिया. अभी ऐसे से तो सर, जैसा हमें आपकी बातों से पता चलता है वो बहुत ही कंपोज थे, बहुत ही ज़्यादा काम थे. हाँ जी, तो आपका उनके जो कम्युनिकेशन था कारगिल के टाइम पे, वो कैसे आप कम्युनिकेट करते थे उनसे? कुछ हेटर्स आए, उनके 3-4 हेटर्स. एक अब तो काफ़ी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट हो गया अभी, तो उन दोनों इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन भी नहीं था. तो उनके तीन बार हमें फ़ोन आए ऐसे से हैं, उन्हें एग्जैक्टली मत आई ये नहीं उन्हें कहा कि मैं कहाँ पर हूँ. तो सर, एक्चुअली हम अब ये जानना चाहते हैं कि हम सब ने न्यूज़ देखी, हम सबको पता चला कि क्या हुआ, बट हम ये जानना चाहते हैं कि जो यूथ है उसे पता चले कि जो एक आर्मी ऑफिसर होता है वो अपने घर से इतना दूर जाते हैं और इतना ज़्यादा सेल्फलेसली पूरे नेशन को सर्व करते हैं. तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब पूरा कारगिल का इंसिडेंट हो रहा था तो आपके यहाँ पे क्या सिचुएशन थी, आपके मन में क्या चल रहा था? नहीं, हमें ना उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता नहीं okay. था या तो है ना, एक न्यूज़ आइटम आई है इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसमें था, बताओ इतना
क्लियर बतियाना न्यूज़ नहीं था, ऐसे ऐसे एक बतियाना जो है आर्मी ऑफिसर नर्सिंग है और उसके साथ में कुछ में सोल्जर्स हैं, तो उस समय कारगिल का किसी को इंकलिंग नहीं थी भी कारगिल में ऐसे कुछ मतलब वो है या उधर पर इंट्रूजन है या ऐसे ऐसे ऐसी किसी को मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी। अच्छा उसके बाद जब न्यूज़ आया ऐसे ऐसे मतलब जो है पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इस दिन को कैप्टन सौरभ कालिया उसके फाइव सोल्जर की मतलब नोटिस हैंड ओवर करेगी, तो उसके बाद सारे बच्चे इंडिया में खबर फैल गई। उसे चले हमें कोई इतना ज़्यादा क्लियर इंटीमेशन नहीं था भी उधर कारगिल में इंट्रूजन हुआ, इन्होंने इन्होंने सबसे पहले खबर दी। तो सर गवर्नमेंट की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला, आपको जो आपका पूरा इतना क्राइसिस का टाइम था तो उसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से कैसे सपोर्ट मिला, आपको क्या सपोर्ट दिया गया था? नहीं उस समय अगर आपका ये कहने का अभिप्राय भी हमें सरकार ने क्या दिया क्या नहीं दिया, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब हमें अगर सरकार ने कुछ दिया तो हम उनके धन्यवाद दिए, अगर कुछ नहीं दिया तो हमें कोई उसका गिला अपना शिकवा नहीं, दिया नहीं दिया हमें। हमारा तो एक ही इशू है कि जो कैप्टन सौरभ कालिया और उसके पांच साथियों के साथ जो कुछ हुआ, तो उस समय प्रधानमंत्री से लेके हमारे जो रक्षा मंत्री से विदेश मंत्री से उन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि हम इस इशू को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी उठाएंगे और पाकिस्तान के साथ भी उठाएंगे, मगर वो तीन चार पाँच साल का जो मेरा एक्सपीरियंस था उसमें मुझे लगा कि ये सिर्फ मतलब प्रॉमिस ही हैं, एक्शन नहीं कुछ नहीं। उसके बाद जब आरटीआई इंट्रोड्यूस हुआ तो मैंने आरटीआई के थ्रू जो है ये सारी इंफॉर्मेशन मांगी। आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, क्या ठीक है क्या गलत है आई कैन अंडरस्टैंड। उस समय जब सौरभ का ये इंसिडेंट हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने मेरे साथ ढाई मिनट तीन मिनट मुझे उन्होंने फ़ोन किया, हमें मतलब विदेश मंत्री जी ने लेटर लिखा नामी से, उस समय डिफेंस मिनिस्टर, वो जब सौरभ की दौड़ी आई उन्होंने रिसीव किया, मगर वो सभी हॉलो प्रॉमिसेस थे, कहने को भी हम ये करेंगे वो करेंगे पर किया कुछ नहीं। उसके बाद जब मैंने आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन जब ली तो कुछ भी कंक्रीट नहीं था, वो जैसे आप लोग बोलते ना निंदा की कड़ी निंदा की ऐसे बस इसे ऊपर नहीं सब कुछ भी। तो उसके बाद अगेन आई परस्यूड भी आप क्या आपने एक्शन लिया है या आपका क्या आगे एम है इस इशू के बारे में, तो उनके जवाब जो थे बड़े एम निगोस थे। तो उसके बाद क्या आलियम नट में काफ़ी बार इनका इशू मत उठा पर क्लियर कट कोई सॉलिड कंक्रीट मतलब एक्शन के बारे में किसी ने कोई कमिटमेंट नहीं किया। उसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट मैंने केस किया, आपने शायद मतिया में देखा भी होगा पढ़ा भी होगा, उधर भी कुछ इतना लगा नहीं कि सरकार की कोई ऐसी इंटेंशन है कि भी हम कोई ऐसा कंक्रीट एक्शन लेके, अगर एक्शन लिया होता तो ये जो पाकिस्तान के जो आर्मी के जो हैं वो जब कभी हमारे सैनिकों के हम सिर काट के ले जाते हैं कभी कुछ करते हैं ऐसी घटनाएं होती ना, अगर उस समय एक्शन लिया उसका सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी बार हीरिंग हुई, तो एक हीरिंग में उन्होंने ऐसे मतिया कहा भी ये जो इशू है ये दो देशों का है, तो ये जो दो देशों का जो इशू है
तो ये दो कंट्री आपस में निपटे, क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्ट्री है, इट कम्स अंडर एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, इट डज नॉट कम अंडर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव है आप जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो आप चलाते हो उनके अंडर है आपके। अगर आपकी इच्छा है कि हमने इस इशू को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या पाकिस्तान को उठाना, तो आप करो, आप हमें क्यों तो बीच में क्या इन्वॉल्व कर। तो उसके बाद बताने जो सरकार का भी कोई इतना नहीं है। नमस्ते मैम। हाँ जी, तो मैम ये वॉर मेमोरियल जो है वो कब और कैसे इस्टेब्लिश किया गया था? ये इस्टेब्लिश हुआ था तब मेरी शादी तो नहीं हुई थी, हाँ जी, से पहले ही। तो मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ वो चाहते थे कि जब ये कैजुअल्टी हुई उसके बाद वो चाहते थे कि हम एक ऐसा कमरा बनाएं वहाँ पर सारी चीज़ें हम याद के तौर पर रखें, ताकि जब भी हमें जाएं तो हमें ऐसा ना लगे कि वो हमारे बीच में नहीं है। तो ये सोच के, और मोरओवर मेरी मदर इन लॉ को भैया खुद कहते थे कि जब मैं मेरे लिए एक बड़ा सा रूम बनाना, क्योंकि आर्मी वाले जो होते हैं तो उनके पास सामान बहुत ज़्यादा होता है, तो बड़ा सा कमरा बनाना क्योंकि मेरा सामान तो बहुत ज़्यादा होता है। तो एक वो भी चीज़ थी मम्मी के माइंड में कि फिर उसके बाद जब कैजुअल्टी होगी तो उन्हें लगा कि नहीं हम एक कमरा तो ज़रूर बनाएंगे, मतलब वो भैया की भी इच्छा थी कि मेरा एक कमरा अलग से होना चाहिए। तो फिर उसके बाद ये कमरा बनाया और उसमें जितनी भी चीज़ें थी उनकी पुरानी और जो आई भी थी वापस बॉडी के साथ भी आई थी वो भी सारी वहाँ पे हमने रखी। तो बस उसी के वो हमारे लिए एक मंदिर भी है, भैया का कमरा भी है, सब कुछ है। हम वहाँ पे जाते तो हमें ऐसा लगता नहीं है कि वो नहीं है, मुझे लगता है कि वहीं पे है हमारे साथ। हाँ जी। शहीद कप्तान सौरभ कालिया के परिवार से मिलने के बाद मन में एक नहीं बल्कि कई सवाल उठते हैं। क्या मेरा, आपका और हमारे इस देश का ये फर्ज नहीं बनता कि हम उस जवान के हक के लिए लड़ें जिन्होंने देश प्रेम में अपनी जान की परवाह भी न की? ये लड़ाई सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं बल्कि पूरे इंडियन आर्मी के हक की है। जाते जाते मैं बस आपसे एक ही सवाल करूंगी कि क्या हम हमारे 9 से 5 के स्केड्यूल से निकल कर इस देश का यूथ होने के नाते अपना फर्ज निभा पा रहे हैं? इसी के साथ कप्तान सौरभ कालिया तो हमेशा अमर रहेंगे हमारे दिलों में, और बुलंद रहेंगी उनकी वीरता की कहानियां।